जय गणेश आय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 8, ठीक है। पिछले क्लास में आप ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, वो भी सिंपल क्वेश्चन सब हम बनाए थे, ठीक है। अभी 7th वाला का है, ठीक है। आज हम 6-7 वाला को ही लेके चल रहे हैं। उसमें आज हम लेके चलते हैं स्क्वायर। ट्रायंगल का तो क्वेश्चन दे दिए थे सिंपल सिंपल फॉर्मूला पर, आज हम स्क्वायर पर जा रहे हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल। ठीक, फॉर्मूला हम बता दिए थे लेकिन फिर भी दोबारा आपको हम समझा देते हैं। तब इसके क्वेश्चन पर कुछ जाएंगे, ठीक है। चलिए, लाइफ नहीं है, क्या है, मेंसुरेशन पार्ट 8। मेंसुरेशन पार्ट 8 किसके लिए है? 6 के लिए और 7 के लिए। और जो बच्चा सब इंटेलिजेंट होगा 8-9 में भी, वो भी देखेगा क्या, ये पूरा कर दे, पूरा करिए देते हैं। चलो 8 और 9 सबके लिए। पहले हम आ जाते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल पर। पहले एक बार फॉर्मूला देख लो कि स्क्वायर क्या, स्क्वायर स्क्वायर किसको कहते हैं, ये सब पता है। फिर भी हम एक बार लिख देते हैं कि ये आपका स्क्वायर है। लगता तो नहीं है ये स्क्वायर, अब स्क्वायर हो गया। इसका इच साइड ए दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एरिया दिया हुआ है, दी साइड दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल लीजिएगा। अब यदि मान लो कि एरिया दिया रहेगा तब साइड कैसे निकलेगा, यानी इच साइड क्या, ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एरिया नहीं, अब आ जा पेरीमीटर, क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू इच साइड, नहीं होगा 4 इंटू इच साइड। तो इच साइड बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 4 होगा। चलो अब आ जा डायगोनल, क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ना हाफ पार्ट लिए हम लोग, ये दोनों साइड इक्वल है, ए और ए स्क्वायर है तो राइट ट्रायंगल होगा। ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो एच निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहा हुआ है, बताया हुआ है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, यानी √2 इंटू ए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, √2 इंटू ए, यानी √2 इंटू इच साइड, यानी √2 इंटू क्या होगा, इच साइड। अब यदि डायगोनल दिया हुआ रहेगा तब इच साइड निकालने के लिए कहेगा, तब कैसे निकालिएगा, नहीं, यानी इच साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल अब बाय रूट, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला हो गया आपको, 2, 4 और 2, कितना, 6 फॉर्मूला हो गया, किसका, स्क्वायर का। इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है।
इतना ही पड़ाव आपको जो दिमाग लगाना है सो लगाइए। हम भी आपको सीधा ही इस पर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हम यहां लेते हैं, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 cm, कितना cm, 6 cm, देन फाइंड इट्स एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल। और क्या निकालना है, डायगोनल। एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और डायगोनल निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है आपका कि एरिया, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी 6 cm का स्क्वायर यानी 36 cm स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × इच साइड यानी क्या 24 cm, डायगोनल इज इक्वल टू √2 × इच साइड यानी 6√2 cm, ठीक है। एक क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन टू आपको हम दे रहे हैं कि मान लो कि हम डायगोनल दे दें, ठीक है, इस साइड निकालने के लिए कहें। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, इफ डायगोनल इज 20 cm, कितना cm, 20 cm, फाइंड इच साइड, ठीक है। तो इच साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल बाय √2 यानी 20 बाय √2। यहां पर नाइन्थ वाला तो समझ लेगा, एट वाला समझ लेगा, सेवन वाला थोड़ा सा समझो। यहां एक पॉइंट का काम है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो रूट वाला है उतना ही से हम ऊपर नीचा दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √2 है ना, तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ आपको, तो 20√2 बाय 2, क्यों, क्योंकि √2 × √2 √4, और √4 इज करो कितना 2। अब आराम से तुम 2 से इसको काट दो, कितना हो गया 10√2 cm, ठीक है। जानता है वीडियो का क्वालिटी जो है अब थोड़ा सा लो होगा, क्यों लो होगा, देखा होगा 3 दिन से जो है सो बंद था, YouTube पर डाउनलोड हो ही नहीं रहा था। अपना तो ज्यादा नहीं 23 मिनट का होता है, वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, 3 दिन से परेशान थे। वो तो दिनेश पंकज सर से पूछे फिजिक्स वाले से, तो वो बताए तरीका, एक नया एक लिंक भेजे जिससे वीडियो कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस हो गया है और तब जाके डाउनलोड हो रहा है, फायदा हुआ है। जैसे पहले एक वीडियो को डाउनलोड करने में, अपलोड करने में 4 GB तक लग जाता था, 3 GB 4 GB, लेकिन अब तो देखें कि 1 GB में हो जाता है एक वीडियो, ठीक है। लेकिन क्वालिटी अब थोड़ा सा पहले से डाउन होगा, क्या क्या करेंगे, मजबूरी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन फिर इसी के भाई साहब दूसरा ले लो, क्वेश्चन नंबर मान लो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। चाहे उसको अब साफ करो, चलो इसको साफ करो, इसका काम हो गया है, कहे रखा जाए इसको। चलिए अब हम आपको देते हैं, 2 हो गया था ना, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। इफ पेरीमीटर, हाँ चलो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 cm, ठीक है, देन फाइंड इच साइड,
कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, कि इच साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय फोर, यानी 36 cm बाय फोर इज इक्वल टू कितना 9 cm। ठीक, अब तुमको एक एक बताते हैं, फॉर्मूला बता दिए हैं, उसके बाद एक एक उसका यूज बता देते हैं, बस इससे ज्यादा हमको नहीं बताना है। जैसे क्वेश्चन फोर ले लो, इफ एरिया इज 64 मीटर है देन फाइंड इच साइड। ठीक है, तो इच साइड इज इक्वल टू क्या होगा, क्या पढ़ रहे हम लोग, अंडर रूट एरिया, यानी अंडर रूट 64, यानी क्या 8 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक से दूसरा को जोड़ देंगे, क्या एकदम सिंपल सिंपल यहां तक था, एक से दूसरा को कैसे जोड़ेंगे सो देखो। जैसे अब हम दे देते हैं कि पेरीमीटर दे देते हैं, ठीक है, हम तुमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे देते हैं, ठीक। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देने के बाद तुमको हम कर देते हैं अभी एरिया और डायगोनल निकालने के लिए कह देते हैं, क्या कहते हैं, एरिया और डायगोनल निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है अपना 5, इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, मान लो कुछ भी ले लो, 24 मीटर, देन फाइंड एरिया एंड डायगोनल, एरिया एंड डायगोनल। अब एक चीज देखो, हमको निकालना है एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या, साइड स्क्वायर, यानी हमको साइड चाहिए, डायगोनल निकालना है, डायगोनल इज इक्वल टू क्या, रूट टू इंटू साइड, यानी हमको साइड निकालना है, यानी मेरा मेन काम क्या है कि साइड निकालो, क्या निकालो, साइड निकालो। ठीक, तो पेरीमीटर जब दिया हुआ है तो इससे हम साइड नहीं निकाल सकते हैं, सीख लिए हैं, उससे निकाल लीजिएगा, यानी आपको निकालना है इच साइड इज इक्वल टू क्या, पेरीमीटर बाय फोर, यानी क्या 24 बाय 4, यानी क्या 6 मीटर। अब इससे आप एरिया भी निकाल लीजिए और क्या डायगोनल भी निकाल लीजिए, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर का स्क्वायर, यानी कितना 36 मीटर स्क्वायर, डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू इच साइड, यानी 6√2 मीटर। समझ गए, इसी प्रकार से मान लो कि हम तुमको एरिया दे दें, ठीक है, एरिया दे दें और उससे कहें निकालने के लिए क्या, पेरीमीटर और डायगोनल निकालो। ठीक, ले लो अगला क्वेश्चन, ये 5 था ना, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर, उसको रहने देते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, मान लेते हैं हम कितना 32 मीटर, कितना मान लेते हैं 32 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या है, फाइंड पेरीमीटर एंड डायगोनल, पेरीमीटर एंड डायगोनल, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या 4 इंटू इच साइड, यानी यदि हमको इच साइड पता रहेगा तो निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, और डायगोनल √2 इंटू इच साइड, यदि इस साइड पता रहेगा तो डायगोनल निकल जाएगा, यानी मेरा मेन एम क्या होना चाहिए, इच साइड पता करो। इच साइड पता करने के लिए आपके पास एरिया है, फॉर्मूला भी है, यदि एरिया है तो इच साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इच साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। अब लिखिए आप, इच साइड
इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया, यानी क्या 32 मीटर लिखे हैं, स्क्वायर होगा ना, तो कितना होगा 32। अच्छा अब 32 को आपको फैक्टराइज करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट बता चुके हैं, सबको पता है कैसे कीजिएगा, देख लीजिए 32 है, फैक्टराइज यदि आप करते हैं तो 2 16, 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, हो गया स्क्वायर रूट है, इसीलिए डबल डबल ई बेचारा सिंगल बच गया, तो डबल वाला कहते ले लेते हैं आप सिंगल, इसके लिए ई टू और इसके लिए ई टू, ई टू बच गया तो रूट टू यानी 4√2, यानी इस साइड कितना हो गया आपका 4√2 मीटर। ठीक है अब इससे आप निकाल लीजिए पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × ईच साइड यानी 16√2 मीटर और डायगोनल इज इक्वल टू √2 × ईच साइड, नहीं कितना होगा √2 × √2, 2 × 4 = 8 मीटर। ठीक है इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कि डायगोनल दे देगा, ठीक है डायगोनल दे देगा, उससे पेरीमीटर और क्या निकालने के लिए कहेगा, एरिया निकालने के लिए कहेगा, वो हम लोग आज रेक्टेंगल में नहीं जा सके ना, खैर कोई बात नहीं चल। इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज क्या मान लें 50 मीटर, कितना मान लेते हैं 50 मीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, फिर वही सेम रूल नहीं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × ईच साइड, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी दोनों केस में साइड की जरूरत है, साइड मेरा वहां से निकल जाएगा, डायगोनल दिया हुआ है इसीलिए ईच साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायगोनल बाय रूट टू, तो 50 बाय रूट टू, क्या कहे हुए थे रेशनलाइज करने के लिए, रूट टू नीचे है इसलिए ऊपर नीचे दोनों में रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, या ये भी कर सकते हैं कि रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा 50√2/2, 2 से ये आपका चला गया 25, यानी 25√2, ये क्या हुआ ईच साइड। ठीक है अब आपको निकालना है पेरीमीटर यानी 4 × ईच साइड यानी क्या 100√2, और एरिया निकालना है 25√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 25√2 × 25√2 यानी 625 × 2 यानी 1250, एरिया है इसीलिए मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है इसीलिए मीटर, हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन देना हमको, चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन लिखा जाए, प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्या प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज कितना 7√2 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स ए, दे देते हैं हम ए का मतलब एरिया,
पी दे देते हैं, पी का मतलब पेरीमीटर, एंड डी दे देते हैं, डी का मतलब डायगोनल। क्या समझ गया? हम लिखे हम भी समझ रहे हैं और तुम सुन रहा है तुम भी समझ रहा है, तो क्यों कलम बर्बाद करें, समय बर्बाद करें? क्या एक क्वेश्चन पर चलो दूसरा क्वेश्चन दूसरा कलर से लिख दिया जाए बच्चा सबको। क्वेश्चन नंबर टू, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर हम दे देते हैं तुमको, फाइव हंड्रेड 12 मीटर, ठीक है, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। समझ गया बात? चलो क्वेश्चन नंबर थ्री एवं दूसरा कलर से लिख देते हैं बच्चा सबको, देखो टाइम होते जा रहा है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 300 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया एंड डायगोनल। ठीक है, अच्छी बात। अब आ जाए ब्लू से, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज कितना, 100√2 मीटर, देन फाइंड क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, आज हम ज्यादा डीप में नहीं गए, डेसिमल वाला नहीं ले गए हैं, फ्रैक्शन वाला नहीं ले गए हैं, क्या अलग अलग यूनिट वाला सब नहीं ले गए हैं, वो ले जाएंगे बाद में। ठीक है, आज इतना ही पर रहने दो। ठीक, समझ गया बात स्क्वायर के बारे में? क्या 8-9 वाला को तो आता ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस एक बार कर लो, जिसको नहीं आता है उसके लिए जरूरी है। ठीक, जय माँ बंगला मुखी।